आज हम पढ़ेंगे कि आईटीआई में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई हम एक नए स्टूडेंट होते हैं जब आईटीआई में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो अब जब हम एडमिशन लेंगे तो हमें कई चीज़ें पता होनी चाहिए। अपन एडमिशन लेने जाएंगे दसवीं पास करके, आप आईटीआई में एडमिशन लेने चले जाते हैं तो हमें कई बातों का ध्यान होना चाहिए कि आईटीआई के अंदर एक तो पहली चीज़ है हमें दसवीं पास होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारी ये कि उस आईटीआई के अंदर कौन कौन सी ट्रेड है। सबसे पहले हमें यह जानकारी करनी चाहिए कि उस आईटीआई के अंदर कौन कौन सी ट्रेड है, उसके बाद में कौन सी ट्रेड में कितने यूनिट हैं, एक यूनिट में हमारे 20 कैंडिडेट होते हैं, यानी कि 20 छात्र हमारे होते हैं। उसके बाद में हमें यह पता होना चाहिए कि कॉलेज में प्रैक्टिकल की लैब चलती है या नहीं चलती। हो सकता है आईटीआई में भाई मशीनों पे जंग लग रहा हो, तो हमें भाई अपन तो वहाँ सीखने के लिए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, सीखने के लिए। और सीखेंगे कब, जब हमें कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा, सो चीज़ें होंगी, मशीनें होंगी, टूल्स होंगे, लैब भी प्रॉपर होगी, तो ही तो हम सीखेंगे। चौथी चीज़ देखेंगे हम वहाँ पर क्लास की उत्तम व्यवस्था है या नहीं, कि क्लास तो वहाँ पे पर्टिकुलरली लगती है या नहीं लगती। फिर टीचर फैसिलिटी वहाँ पे पूरी है क्या, भाई हमारे पास एक तो फैकल्टी और एक फैसिलिटी, दोनों चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि हमें एडमिशन लेते समय यह डिसाइड करना चाहिए कि हम किस ट्रेड में एडमिशन ले रहे हैं, किस व्यवसाय में हमें एडमिशन लेना है। और एडमिशन लेते समय सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो इसका पता होना चाहिए कि जो हम एडमिशन ले रहे हैं, जिस संस्था में हम एडमिशन ले रहे हैं, जिस आईटीआई में हम एडमिशन ले रहे हैं, वो कहाँ से मान्यता प्राप्त है। तो हमारी आईटीआई दो ही जगह से मान्यता प्राप्त होती है, एनसीवीटी और एससीवीटी। तो दोस्तों अगर आपने एनसीवीटी से अगर आईटीआई किए तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो पूरे वर्ल्ड, एससीवीटी से किए तो आप केवल उसको अपने स्टेट में ही यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ का हमें पहले पता होना चाहिए। एडमिशन लेने से पहले हमें ये कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो हमें होनी चाहिए।